गोल्डी मसाले की तरफ से रीवा के विक्रेताओं को कार सहित मिले अन्य उपहार। गोल्डी मसाले ने लगातार 38 सालों से मसालों के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बना रखी है। 1980 में एक छोटे से सफर ने आज एक विशाल वटवृक्ष का रूप धारण कर लिया है। आज गोल्डी देश में ही नहीं विदेशों में भी एक अलग पहचान के साथ उपलब्ध है। आज कहा जा सकता है भारतीय रसोई घरों की शान एवं शुद्ध जायके की पहचान गोल्डी है। रीवा दर्शन ने गोल्डी मसाले के डायरेक्टर सुदीप गोयनका से खास बातचीत की। मसालों की अगर बात की जाए तो गोल्डी मसाले का नाम सबसे पहले आता है। हमारे साथ मौजूद हैं सुदीप गोयनका जी, हम उनसे रीवा आने पर आपका स्वागत। मेरा सवाल मसालों से शुरू है, उसके पहले आपके सामने सुपारी के अद्भुत नमूने। मैं आपको बता दूं पूरी दुनिया में केवल यहीं पर, इसके अलावा ये कहीं नहीं। मेरा ये सवाल है कि आपको ये आप इस फील्ड में क्यों आए और आपको प्रेरणा कैसे मिली? गोल्डी मसाले आज से 38 वर्ष पूर्व हमारे पूर्व पिताजी श्री सोनू गोयनका जी और चाचा जी श्री सुरेंद्र गुप्ता जी द्वारा चालू किया गया और किराने के व्यापार में ये हमारी 5वीं पीढ़ी है। लगभग 4 दशक पहले जब पिताजी चाचा जी इस व्यापार में उतरे ब्रांडेड मसाले में, हमारी किराने की दुकान तो लगभग 100 वर्ष पुरानी है, तब ऐसा लगा बाज़ार में कि भविष्य में जो रहन सहन जो फास्ट लाइफ होने जा रही है, तो उस समय की औरतों को गृहणियों को या हलवाइयों के पास इतना समय नहीं होगा कि वो बाज़ार से खुला मसाला खरीद के पिसवा करके बना करके इतना समय दे पाए, और वही सोच को देखते हुए। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये थी कि आज हम अगर अपने दादियों दादाओं के समय को देखें या अपने पिताजी की जनरेशन को देखें, तो वो दौर था जब पड़ोस से आकर के शक्कर नमक या कुछ मांग लिया जाता था, लेकिन मसाला कोई नहीं मांगता था, क्योंकि मसाला हर गृहिणी के लिए, हर हलवाई के लिए, हर बावर्ची के लिए उसका बड़ा ही प्रिय होता है। आज मसाला ही ऐसी चीज़ है जिसके लिए वास्को डा गामा हिंदुस्तान आए या ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान आई, तो हिंदुस्तान की पहचान मसाले से है। तो गोल्डी ने ये पीड़ा उठाया कि क्यों नहीं उस क्वालिटी को जो हमारी संस्कार है, जो हमारा इतिहास है, उसको मेंटेन करते हुए शुद्ध मसाले अपने ग्राहकों को देते रहे। और यही कारण है कि आज 40 साल से अपनी क्वालिटी को मेंटेन करते हुए हम आज भी अपने ग्राहकों के लिए उच्चतम क्वालिटी वाजिब दाम में देने में भरपूर इंटरेस्टेड रहते हैं कि मसाले के साथ अचार गोल्डी वन नूडल्स, जो कि अपने आप में यूनिक प्रोडक्ट है, क्योंकि वो राइस ब्रान ऑयल में बनता है, बाकी सारे नूडल्स पाम ऑयल में बनते हैं। तो हमारी यही रहती है इच्छा और हमारे परिवार की, गोल्डी समूह की, कि किस तरह अपने परिवार में, जो कि 1500 वितरक, कम से कम 15 देश में हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, कि किस तरह अपने इस पारंपरिक रिवाज को जिंदा रखें। जैसा कि आप बीच में टोकूं, जैसा कि आप तरह तरह के मसाले बनाते हैं, उनमें शुद्धता की क्या आप क्या गारंटी देते हैं और उसमें क्या कुछ सीक्रेट होता है? शुद्धता की गारंटी सबसे पहले हमारा ग्राहक है, क्योंकि आज के युग में ग्राहक बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस हो रहा है, और खाने का कोई भी पदार्थ अगर शुद्धता का आधार नहीं होगा तो कहीं ना कहीं उसका साइड इफेक्ट होगा। गोल्डी मसाले अगर 4 दशक से पूरे भारतवर्ष में 22 देशों में अपने मसाले को फैला रहा है और कहीं भी कोई शिकायत नहीं आ रही है, क्योंकि हम अपनी फैक्ट्री में सबसे पहले परचेज में उच्चतम क्वालिटी का नई फसल के शुद्ध मसाले हम खरीदते हैं, और अपने यहाँ आधुनिक से आधुनिक मशीन, हमारे यहाँ बेस्ट लैब अवार्ड हमको मिला हुआ है, उसको हम टेस्ट करते हैं और उसको प्रोसेस करके बेस्ट पैकेजिंग में अपने ग्राहकों को देते हैं। दूसरा, कोशिश करते हैं कि कैसे हाई टर्नओवर, मतलब जल्द से जल्द माल ग्राहकों तक जाए, पुराना माल किसी भी हाल में बाज़ार में नहीं होना चाहिए। यही कारण है कि मसाले में फ्रेशनेस और मसाले की पैकिंग, रॉ मटेरियल और फैक्ट्री का रख रखाव, और उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि हमारे मन की जो आस्था है, हमारा मन केवल पैसा कमाना नहीं है, वो तो बाई प्रोडक्ट है, लेकिन अगर हम अपने देश की जिम्मेदारी उठाएँ कि आगे भविष्य में तो अपने युग में अपने देशवासियों को, अपने ह्यूमंस को हमें बेस्ट माल देना है, केवल पैसा कमाने के लिए व्यापार नहीं, केवल पैसा नहीं कमाना,
ये थे हमारे साथ कोल्डी मसाले के संदीप भयंकर, जिनका साफ तौर से कहना था ग्राहकों की साख, ग्राहकों की विश्वसनीयता ही हमारे लिए सब कुछ है। हम पिछले 4 दशक से इसीलिए बाज़ार में टिके हुए हैं। हम देश के साथ विदेश में भी अपने मसाले को लेकर गए हुए हैं। आज हमारा मसाला एक ब्रांड बन चुका है। रीवा दर्शन टीम में जागरूक।